Hey guys, what's up? Shayan here and welcome to my YouTube channel Shayan Tech and Gaming. Friends, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है. आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं अब माइनक्राफ्ट कौन से वर्ल्ड में खेलता हूँ. मेरा पर्सनल माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का मैं आज वर्ल्ड रिवील करने वाला हूँ सिंपली. तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. मैंने इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ऊंचाइयों तक मैंने इस वर्ल्ड को पहुंचाया है. और यहाँ से सामने ये मेरा नेटिव विलेज है और इसके थोड़ा सा आगे जाकर जो है मेरा होम बेस आता है जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं. और आज ही से मतलब कि मैं इस वर्ल्ड को आज आपके सामने डिलीट करने वाला हूँ और इसके बाद फिर एक सीरीज़ स्टार्ट होगी मेरे गेम की, मेरे माइनक्राफ्ट की. तो फ्रेंड्स, उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा और बने रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना होगा. तो फ्रेंड्स, चलिए तब हम लोग सीधा अपनी बेस की तरफ चलते हैं. तो ये मैंने जो है अपना एक घोड़ा है, इसका नाम है हॉर्सी, मैंने रखा है. अब हॉर्सी हुआ, यस फ्रेंड्स. तो ये मेरा छोटा सा घोड़ा है जिसका नाम हॉर्सी रखा है मैंने. ये बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा लगता है मुझे. और अब ये वर्ल्ड डिलीट होगा तो इसके साथ मेरा हॉर्स भी चला जाएगा. सो सैड, बट हम लोग फिर एक और हॉर्स टेम करने वाले हैं. आपके साथ जो गेम खेलने का मज़ा है ना, मतलब माइनक्राफ्ट की सीरीज स्टार्ट करने का जो मज़ा है ना, वो और कहीं नहीं है. और इससे पहले कि मैं अपने घर पहुंचाऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं. मैं अभी एक नया गेम खेल रहा हूं, ठीक है, जिसका नाम है मिनी मिलिटिया, जो कि बहुत पुराना गेम है बट बहुत ही ज़बरदस्त गेम है. अगर आपको उस गेम की वीडियोज़ चाहिए तो मैं वहाँ पर पोल डाल दूँगा. आप बता दीजिए कि जो है मैं वो गेम खेलूं या ना खेलूं मेरे चैनल पर. चलिए फ्रेंड्स, मेरा बेस आ चुका है, आप देख सकते हैं. ये मेरा फार्म है जो कि आधा अधूरा जो है रोप मतलब बीज डाला हुआ है. और यहाँ पे मैं एक बड़ा सा जो है एक्सपी फार्म बनाने वाला था, पर मैंने जो है इस गेम को छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए. तो चलिए मैं आपको एक एक करके सब चीज़ दिखाता हूँ. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे फार्म से. तो ये हमारा फार्म है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. इसमें सबसे आगे में पोटैटो है, उसके बाद कैरेट है, यहाँ पम्पकिन है, मैंने बहुत सारा मेलन, और मैंने इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर किया है. ये हमारा जो है कॉफ, ये है कॉशेड है, समझ लीजिए. और आगे जाते हैं, मैं आपको सब चीज़ दिखाता हूँ. सब आपने तो मेरे घोड़े से पहले ही मुलाकात कर ली है. वैसे मैंने अभी तक कोई भी डॉगी टेम नहीं किया है. ये हमारा ब्रीडिंग रूम है, जैसा कि आप जान सकते हैं, देखने से पता चल रहा होगा. यहाँ विलेजर्स रहते हैं और वो हम लोग जिस विलेज को छोड़ के आए हैं वो मेरा नेटिव विलेज है. यहाँ पर हमारा नेदर पोर्टल है जिसमें मैंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मुझे नेदर में जाने में बहुत डर लगता है, ठीक है. और ये हमारा बहुत बड़ा हाउस, आपको अंदाज़ा भी नहीं है ये फ्रेंड्स कि ये कितना बड़ा हाउस है. मैं आपको दिखाता हूँ अंदर. तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं FPP मोड में और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा घर. और घर दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपको ये डबल आयरन डोर विद सिंगल बटन वाला मैकेनिज्म नहीं आता है तो आप जाके आई बटन पे चेक कर सकते हैं. मेरे चैनल पे ये वीडियो डल चुकी है. तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये मेरा बहुत बड़ा घर है. वैसे खास किया नहीं है बट ये मेरा बहुत बड़ा घर है. मैं इसे सजाने वाला था लेकिन फिर मैंने माइनक्राफ्ट खेलना छोड़ दिया कुछ दिनों के लिए. और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक मतलब अपना यूट्यूब चैनल पर ही एक माइनक्राफ्ट की सीरीज़ बना ली जाए. तो मैंने उसके लिए सोचा कि मैं अपना ये वर्ल्ड को डिलीट कर देने वाला हूँ. और एक और बहुत बड़ी चीज़ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ. देखिए फ्रेंड्स, ये रहा वो चीज़. मैंने लिटरली बहुत मेहनत के बाद ये चेस्ट रूम बनाया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें. और आपको मैं दिखा दूँ कि मेरे पास कलेक्शन ऑफ ट्राइडेंट्स भी है. मैंने बहुत सारा ट्राइडेंट पकड़ा है. बहुत मज़ा आने वाला है हम लोग को इस गेम की सीरीज स्टार्ट करने के लिए. तो चलिए फ्रेंड्स, ये सब चीज़ तो आपने देख ली, मेरा ब्रीडिंग रूम और फार्म और सब चीज़ देख ली, मेरा घर भी देख लिया. लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखानी बची थी वो है हमारा माइन. यस फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये है मेरा माइन जो कि बहुत डीप डाउन जाता है. तो ये माइन पहले मैं बता दूं, ये मेरा छोटा सा घर है, ठीक है. तो ये मैंने सबसे पहले इसी को घर बनाया था, उसके बाद मैंने ऊपर इस आगे जाके डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है फ्रेंड्स. तो चलिए अभी सीधा अंदर चलते हैं. और फ्रेंड्स, एक और बात, अगर आप नहीं जानते कि विलेजर्स को कैसे ब्रीड किया जाता है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है और ये मेरी वन ऑफ द लेटेस्ट वीडियो है. तो आप उसको जाके आई बटन पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. तो चलिए अब सीधा हम लोग अपने माइन की तरफ चलते हैं. तो ये सब मेरे हाथों से खोदा गया है एकदम. ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा माइन है, ये आप देख सकते हैं. यहाँ बहुत डीप डाउन अंदर जाता है. और इसको देखिए फ्रेंड्स, दिस इज़ इनसेन. मैंने बहुत मेहनत की इस वर्ल्ड पे और आज इस वर्ल्ड को मैं कुर्बान करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए और
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि माइनक्राफ्ट की सीरीज आने वाली है। यस फ्रेंड्स, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा माइंड जिसको कि मैंने पूरी तरह से ढंग से एक्सप्लोर भी नहीं किया है, बट स्टिल मैं अब इस वर्ल्ड को डिलीट करने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ, मतलब आपको दिखा के माइनक्राफ्ट की एक सीरीज स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तब वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। और अब आता है द सैड पार्ट ऑफ द वीडियो, ऑफ दिस वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो चलिए ऊपर चलते हैं और उसके बाद हम लोग डिलीट करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे ये बहुत अजीब लगता है, मतलब कि ये सीढ़ी कितना स्पीड से चढ़ता है आप देख सकते हैं, वो व्हाट स्पीड, उतरता बहुत स्लोली है, जबकि जो है रियल टाइम रियल लाइफ में हम लोग को चढ़ने में हालत ख़राब होता है सीढ़ी, और जो है नीचे उतरने में तो क्या मज़े आते हैं। अगर आपके घर में बड़ी सीढ़ी है तो आप समझ सकते हैं, मेरे घर में तो है इसलिए मैं समझ रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वी आर गोइंग टू से बाय बाय टू एवरीवन इन आवर दिस वर्ल्ड। बाय बाय हॉर्सी, माय हॉर्सी, आपने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया मेरे एक्सप्लोरेशंस पर, मेरे एडवेंचर्स पर। बाय बाय मेरी काउज, आप लोगों से मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा लेदर अपने लिए निकाला, फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा बहुत बड़ा सा फार्म जिसको मैंने बहुत बहुत दिन लगाए थे मेहनत करके बनाने के लिए, चलिए तुम्हें भी बाय बाय। और हमारा जो ब्रीडिंग स्टेशन है ये भी बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। तो अब हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड को डिलीट करने के लिए, सो सैड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सब तरफ अंधेरा छा गया है, इस वर्ल्ड में अंधेरा छाता ही जा रहा है और हम लोग अब इस वर्ल्ड को डिलीट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है वीडियो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं आप लोग, मेरी वीडियो पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिखाते हैं, और थोड़े से सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, हम लोग का 100 सब्सक्राइबर पूरने वाला है, तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं और इस वर्ल्ड का नाम है क्लैश शायान, जैसा कि आप जानते हैं और दिख रहा है, और ये बाद बाकी दूसरे वर्ल्ड जो है मैं कभी नहीं खेलता उनको। ठीक है, तो अब हम लोग इसे डिलीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा वर्ल्ड डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा स्पेशल करेंगे और माइनक्राफ्ट की सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में, अभी तो नहीं पर कुछ दिनों में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।